नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना जंक्शन से गुजरने वाली 230 ट्रेनें अब नहीं रहेंगी स्पेशल। छठे चरण के रिजल्ट में नए पुराने मुखियाओं का दिखा मिक्सअप। साइबर फ्रॉड करने वाले बड़े गिरोह का हुआ भंडाफोड़। 67वीं बीपीएससी की एक सीट के लिए भिड़ेंगे 700 से अधिक परीक्षार्थी। 3 लाख शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने को लेकर डिटेल गाइडलाइन हुई जारी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 67वीं बीपीएससी की एक सीट के लिए भिड़ेंगे 700 से अधिक परीक्षार्थी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 67वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ाए जाने के बाद से आवेदनकर्ताओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। इस बार 67वीं बीपीएससी के लिए कुल 726 पदों के लिए विज्ञापन निकले हैं और आज सुबह तक इन 726 सीटों के लिए 4.5 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हो सके हैं। अनुमान के अनुसार आवेदन के अंतिम दिन 19 नवंबर तक यह आंकड़ा 5 लाख के पार जा सकता है। ऐसे में अगर हम औसत निकालें तो एक सीट के लिए करीब 700 अभ्यर्थी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इस बार के आवेदन में भी बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 नवंबर 2021 है, जिसके बाद 67वीं परीक्षा 23 जनवरी को संभावित है। पटना जंक्शन से गुजरने वाली 230 ट्रेनें अब नहीं रहेंगी स्पेशल। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पटना जंक्शन से होकर गुजरने वाली 230 मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के नाम से स्पेशल का टैग हटा लिया गया है, जिससे कि अब यात्रियों को कम किराया देना पड़ेगा। इससे पहले पटना से नई दिल्ली के लिए स्लीपर में लगभग 450 रुपये किराया लगता था, मगर कोरोना महामारी के बाद कई ट्रेनों को स्पेशल बनाकर शुरू किया गया, जिससे 520 रुपये तक देने पड़ रहे हैं। मगर अब रेलवे ने बीते दिन जारी अपने आदेश में कहा कि ट्रेनें अब अपने नियमित श्रेणी, नंबर और किराए के साथ ही परिचालित होंगी। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया, जिसके बाद अब रेल यात्रियों को थोड़ी राहत रहेगी। राज्य में पराली जलाने वाले किसानों को नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा। प्रदर्शन को देखते हुए बिहार सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस बीच अब धान की कटाई के बाद से पराली को लेकर सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं, जिनको नहीं मानने पर किसानों को परेशानी हो सकती है। इस नए आदेश के तहत राज्य में कोई किसान अगर पराली को जलाते हैं तो उनका डीबीटी पोर्टल से निबंधन रद्द कर दिया जाएगा, जिससे सरकारी सुविधाओं को सीधे तौर पर लेने से ये किसान वंचित तो रह ही जाएंगे, साथ ही इनके नामों की सूची भी जारी की जाएगी। इन सब के बावजूद भी पराली जलाने वाले किसानों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही साथ किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार में ताजा मामले में मिले केवल एक नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में बस एक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 10 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 25 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो केवल वैशाली जिले से एक मरीज की पुष्टि हुई है। इसके अलावे किसी भी जिले में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बात रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। 16 से 24 नवंबर तक इन 11 ट्रेनों के बदले रहेंगे रूट। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के कुछ स्टेशनों के बीच नॉन इंटरलॉकिंग से जुड़ा काम होने वाला है, जिसे लेकर 16 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक पूर्व मध्य रेल की 11 स्पेशल ट्रेन जो कि इस मार्ग से गुजरती है वो बदले हुए रूट से गुजरेगी। इनमें कामाख्या आनंद विहार टर्मिनस 18 नवंबर को, दरभंगा जालंधर सिटी 20 नवंबर को, न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर 19 नवंबर को, दरभंगा अमृतसर 18, 20 व 22 नवंबर को, बरौनी जम्मू तवी 21 नवंबर को चलेंगी, तो वहीं कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा 21 नवंबर को, बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार टर्मिनस ट्रेन 21 व 23 नवंबर को बदले रास्ते से चलेगी। वहीं अमृतसर से 19 नवंबर को चलने वाली अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी, जम्मू तवी से 19 नवंबर को चलने वाली जम्मू तवी बरौनी, जालंधर सिटी से 21 नवंबर को चलने वाली जालंधर सिटी दरभंगा, अमृतसर से 20 व 22 नवंबर को चलने वाली अमृतसर दरभंगा स्पेशल ट्रेन रोजा सीतापुर बुढ़वल के स्थान पर बदले मार्ग रोजा लखनऊ बुढ़वल के रास्ते चलेगी। बिहार के लोग व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर पा सकेंगे वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार सरकार आपको वैक्सीन लगवाने से जुड़ी सभी जानकारी व्हाट्सएप पर बस एक हेलो करने पर दे देगी, जिसके बाद आप आसानी से टीकाकरण केंद्र, वैक्सीन की उपलब्धता आदि सभी जानकारियों को घर बैठे जान सकते हैं। दरअसल राज्य में वैक्सीनेशन प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने व्हाट्सएप चैट बॉट वैक्सीन मित्र की शुरुआत की है और इसके लिए बाकायदा 5 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर हेलो व्हाट्सएप
करने पर वैक्सीनेशन से जुड़े आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति इन 5 व्हाट्सएप नंबरों 9431400111 9431030355 9431022555 या फिर 9431421111 में से किसी भी एक पर हेलो हाय लिखकर जानकारी या सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के इस औद्योगिक शहर को करीब 100 करोड़ लगाकर किया जाएगा विकसित। सूबे बिहार में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां के औद्योगिक शहरों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए पहल शुरू कर दी गई है। पहले चरण में यहां उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण करके उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। इसे लेकर काम तेजी से शुरू है। इस कड़ी में कल रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंच रहे हैं। उनके साथ उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी मौजूद रहेंगे। यहां कल दिन के 11 बजे बैठक आयोजित है, जिसमें उद्योग विभाग और बियाडा के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर विचार मंथन किया जाएगा। आपको बताते चले कि हाजीपुर में उद्योग धंधों को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए DPR भी लगभग तैयार हो चुका है। इसके मुताबिक करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। 3.5 लाख शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने को लेकर डिटेल गाइडलाइन हुई जारी। सूबे के पंचायती राज संस्थानों, नगर निकाय संस्थानों के तहत कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की वेतन में वृद्धि को लेकर नया अपडेट आया है। इन सभी 3.5 लाख के करीब शिक्षकों की सैलरी में 15% की बढ़ोतरी होने वाली है, जिसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही संकल्प जारी कर दिया गया। तो वहीं अब वित्त विभाग की मुहर लगने के बाद शिक्षा विभाग ने बीते दिन ही इस फैसले से जुड़ी डिटेल गाइडलाइन को जारी किया है और इस दिशा निर्देश को बिहार गजट में शामिल होने का निर्देश भी दिया गया है। आदेश के अनुसार नया पे मैट्रिक्स और वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से टीचरों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। वेतन वृद्धि के बाद नियोजित शिक्षकों का मासिक वेतन अधिकतम 39,200 रुपए तक पहुंच गया है। साइबर फ्रॉड करने वाले बड़े गिरोह का हुआ भंडाफोड़। बिहार की राजधानी पटना से पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह से जुड़े एक ठग की भी गिरफ्तारी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार साइबर ठग एक अन्य साथी के साथ पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में साइबर क्राइम की घटना को अंजाम देने के लिए जुटा था कि तभी पुलिस गश्ती को देखे अपराधी बाइक से फरार हो गया, जबकि दूसरे को ATM के पास संदिग्ध स्थिति में पुलिस ने धर दबोचा, जिसका नाम मुन्ना बताया जा रहा है। उसके पास से लगभग 60 अलग अलग बैंकों के ATM सहित डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ 1.5 लाख रुपए की कैश बरामद की गई है। पूछताछ के आधार पर गिरोह के मुख्य संचालक शिवशंकर उर्फ शंभुनाथ की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्य सरगना ही गिरोह में शामिल लोगों को ट्रेनिंग देता था। छठे चरण के रिजल्ट में नए पुराने मुखियाओं का दिखा मिक्सअप। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए काउंटिंग आज सुबह से मतगणना जारी है, जो कि कई प्रखंडों में कल तक चलने वाली है। काउंटिंग की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अहले सुबह से ही शुरू हुई, तो वहीं शुरुआत होने के साथ ही पटना, बेगूसराय, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद जिलों के कई प्रखंडों से रिजल्ट भी काफी जल्दी आ गए। इस चरण में कई पुराने मुखिया पर जनता ने दोबारा भरोसा जताया, तो वहीं कई नए चेहरों को भी गांव की सरकार चलाने की जिम्मेदारी जनता ने दी है। बताते चले कि छठे चरण के लिए 3 नवंबर को ही 37 जिलों के 57 प्रखंडों में मतदान हुआ था। हालांकि बीच में छठ दिवाली जैसे त्योहारों के कारण आज 10 दिनों के बाद इंतजार के बाद मतगणना हुए और रिजल्ट आ रहे हैं। आपको बता दें कि छठे चरण में 26,200 पदों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें चुनाव लड़ने वालों की कुल संख्या 94,188 थी। बिहार के वित्त मंत्री होंगे केंद्रीय वित्त मंत्रालय की बैठक में शामिल। आने वाले 15 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में राज्यों से मदद मिलने और निजी निवेश को और भी ज्यादा आकर्षित करने को लेकर विभिन्न उपायों पर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल होंगे, साथ ही वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस मीटिंग में डिप्टी CM सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद भी बिहार के बारे में सुझाव देंगे, जिसे लेकर वित्त विभाग की से तैयारी की जा रही है। तो वहीं आगामी बजट में बिहार के लिए केंद्र से अधिक मदद लिए जाने की भी कोशिश की जाने वाली है। शहाबुद्दीन की बेटी की शादी के लिए बॉलीवुड सितारों को मिला न्योता। सिवान के दिवंगत बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन भले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी बेटी का निकाह और बेटे उसामा शहाब का वलीमा का आयोजन 15 नवंबर को सिवान के प्रतापपुर में परिवार वाले बड़े ही शाही अंदाज में करने वाले हैं और इस आयोजन में देश के कई नामी गिरामी लोगों को न्योता दिया गया है। इस बाबत परिजनों ने
बॉलीवुड के सितारों शाहरुख खान और संजय दत्त को भी निमंत्रण पत्र भेजा है। परिजनों का कहना है कि शाहरुख खान और संजय दत्त का दिवंगत शहाबुद्दीन के साथ करीबी रिश्ता था। तो वहीं दूसरी तरफ आज ओसामा शहाब ने चिराग पासवान से मुलाकात करके भी उन्हें भी इस आयोजन में शामिल होने का न्यौता दिया। भाजपा नेतृत्व ने मांगी जदयू के मनमाफिक सीटों की लिस्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और यूपी भाजपा का गठबंधन देखने को मिलेगा, ये बातें तय मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जदयू से सीटों की लिस्ट मांगी गई है। इसके तहत जदयू से उन सीटों की लिस्ट सौंपने को कहा गया है जहां से वह गठबंधन के साथ लड़ना चाहती है। चर्चाओं के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को देखते हुए भाजपा अपनी भरपाई जातिगत समीकरण को लगाकर कर सकती है। ऐसे में मध्य और पूर्वी यूपी के इलाकों में कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभाएं भी की जा सकती है। वहीं जदयू भी इन क्षेत्रों में बीजेपी गठबंधन के साथ होकर चुनाव लड़ने की कोशिश में लगी है। राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर सुशील मोदी ने लालू प्रसाद से किए सवाल। देश की सियासत एक बार फिर से हिंदू हिंदुत्व वाले बयानों से लामबंद हो रही है और इसका व्यापक असर बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। बिहार भाजपा के कई नेता राहुल गांधी के ताजा बयानों को अब महागठबंधन और लालू प्रसाद से जोड़ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि फर्क नहीं रहने पर दोनों का नाम एक ही होता। इस बयान के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा से बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राहुल गांधी के साथ साथ उनके सहयोगी आरजेडी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने बीते दिन ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी का यह बयान आपत्तिजनक तथा सौहार्द बिगाड़ने वाला है कि अल्पसंख्यकों को मारना ही हिंदुत्व है। लालू प्रसाद और दूसरे दल बताएं कि क्या वे हिंदुत्व पर कांग्रेस की राय से सहमत है। रवि शास्त्री ने अपने आलोचकों को दिया जवाब। T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के बाद उनकी जमकर आलोचना हुई। कई लोग इस खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार IPL को बता रहे हैं, तो वहीं अब इस पर टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का बयान आया है। उन्होंने IPL वाली बात पर पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खिलाड़ी IPL से पहले देश को रखते हैं। रवि शास्त्री ने टीम इंडिया का बचाव करते हुए कहा कि वे भारत के लिए खेल रहे हैं, आपके सीने पर वह बिल्ला है जिसे दुनिया भर के अरबों लोग देखते हैं। आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 अरब लोगों के देश में 11 में से एक होने के लिए भाग्यशाली हैं। मैं नहीं कहूंगा कि खिलाड़ी देश से पहले IPL को महत्व देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।